चूमू में यादव समाज ने आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व विधायक रामलाल शर्मा का नगर पालिका चूमू के बाहर पुतला जलाकर उनके द्वारा की गई श्री कृष्ण कल्याण बोर्ड के गठन पर आक्रोश जताया। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री व विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार द्वारा गठित श्री कृष्ण कल्याण बोर्ड पर वोटों की राजनीति और रेवड़ी बांटने की टिप्पणी की थी, जिस पर यादव समाज में गहरा आक्रोश है। यादव समाज चूमू विधानसभा में अपनी अहम भूमिका रखता है और जीत हार का फैसले का दम भी रखता है। आज चूमू यादव समाज के प्रमुख नेताओं के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधानसभा चूमू से प्रत्याशी चुट्टन यादव भी इस आक्रोश में शामिल हुए। वक्ताओं ने विधायक रामलाल शर्मा व केंद्रीय मंत्री को अपनी गलती मानते भी समाज से माफी मांगने की बात कही और प्रधानमंत्री मोदी से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इस्तीफे की मांग की। कुछ समय बाद राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में यादव समाज पर की गई टिप्पणी कई भारतीय जनता पार्टी को भारी ना पड़ जाए। वक्ताओं ने चेताया कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो यादव समाज संगठित होकर उनका विरोध करेगा। आप यादव समाज को के लिए हमेशा आगे रहती है, समाज सेवा के लिए जिस तरह से आज माहौल देखा गया, क्या कहना चाहेंगे? आज जो माहौल है, ये यहाँ के स्थानीय विधायक साहब रामलाल जी शर्मा उनके विरोध में है। उन्होंने जो समाज के प्रति जो प्रक्रिया दी है उन्होंने बहुत गलत दिया है। उन्होंने समाज के जब आज से पहले जब और भी बोर्ड लागू हुए थे, तेजा बोर्ड, विपुल बोर्ड, उनका विरोध क्यों नहीं किया? उन्होंने श्री कृष्ण बोर्ड के लिए ऐसे कैसे कहा कि रेवाड़ी बांटी गई है? मैं डॉक्टर पी डी यादव, मेरा गांव गोविंदगढ़ है। दो दिन पहले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने श्री कृष्ण कल्याण बोर्ड का गठन किया था, जिसे हमारे यादव समाज में अपार खुशी की लहर दौड़ी। लेकिन कल ही हमारे जो विधायक हैं चूमू के रामलाल जी शर्मा, उन्होंने इसको ओछी चीज़ बताया और राजनीति से प्रेरित बताया। मैं रामलाल जी को सावचेत करना चाहता हूं कि आपने यादवों की अस्मिता के ऊपर हाथ उठाया है, ये ठीक नहीं है। यादव समाज अथा है, अथा समुद्र है, इससे खेलने की कोशिश न करें। और हमने आज माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत का और रामलाल जी शर्मा का पुतला फेंका है, भगवान उनको शांति दे। माननीय, मैं आपको बता दूं कि 24 तारीख को एक मीटिंग सीएम हाउस में हुई थी। हमारे संपूर्ण यादव समाज को वहां बुलाया गया था। 500 से 700 लोग वहां पे हमारे समाज बंधु थे। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जैसे और बिरादरियों के बोर्ड बने हुए हैं, इसी तरह से कृष्णा बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। समूचे राजस्थान में जहाँ जहाँ भी यादव हैं, बड़ी खुशी हो रही थी, एक खुशी का माहौल था। उसी के बाद कल शाम को केंद्रीय मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वो एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट करके वो क्या बोलते हैं कि ये रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, ऐसे कैसे चलेगा? जब प्रताप बोर्ड का गठन हुआ, जब और विप्र बोर्ड का गठन हुआ, जब किसी भी बीजेपी के नेता ने इसका विरोध नहीं किया, जैसे ही हमारे समाज का बोर्ड का गठन होता है, बीजेपी को पेट में दर्द होने लगता है, विरोधियों को पेट में दर्द होने लगता है कि ये यादव समाज आगे क्यों बढ़ रहा है। और उसी को फॉलो करते हुए आज पता चला है कि जो आपके यहाँ के लोकल विधायक हैं, उनका ये कहना था कि ये जो है रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, वोटों की राजनीति हो रही है। माननीय MLA साहब, वोटों की राजनीति नहीं हो रही, हम अपना हक मांग रहे थे। 70 साल से हमारी मांगें चल रही थी। और जब 4 लाख युवा, जब 4 लाख से ज़्यादा यादव 16 अप्रैल को VT पार्क मानसरोवर में पहुंचा, तब सरकार झुकी है। जब जाके ये हमारी डिमांड पूरी हुई है, जब जाके ये हमारा गौरवीय इतिहास बना है, तो मैं दोनों ही नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि ये जो आप लोगों ने शब्द बोले हैं, इनको वापस लिया जाए। और मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे नाकाम और निकम्मे अगर आप मंत्री बनाते हो, जो मानसिक रूप से इतने दिवालिया जिनका हो चुका है, उनको आप तुरंत बर्खास्त कीजिए। क्योंकि हम कौम 19% बिरादरी इस देश में रखते हैं, हम में वो ताकत है कि सरकार बना भी सकते हैं तो सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। या तो आप जल्द से जल्द फैसला लीजिए और जो मंत्री जी हैं उनको त्याग पत्र दिलाइए, नहीं तो ये आंदोलन, अभी हम पहले नीम का थाना में थे, सीकर में थे, चूमू में, कल तक पूरे राजस्थान में ये आग लग जाएगी और इसके जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर,
और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9800